हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके साथ साथ एक नेट का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। ओके, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा पढ़िए, ये क्या है। हमारे पास एक एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के ऊपर है। देन ए और ए प्लस एच दो हमारे पास पॉइंट है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है ए, और इसके एकदम नजदीक एक पॉइंट है ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस एच एक पॉइंट है। तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए क्या है, लेकिन हम नहीं जानते एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू क्या है, ठीक है। इस पॉइंट से रिलेटेड एफ ऑफ ए हम जानते हैं, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू हमें पता करना है। तो फिर हम जानते हैं हम सभी कि हमें यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ता है, और उसका एक्सपेंशन होता है कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे जेड को अगर हम ए प्लस एच मान लेते हैं, तो फिर ये एक्सपेंशन ही हमारा इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो यही हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, और इसका रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस, ये देखिए रेडियस, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, या फिर रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस जो है ये क्या है। वायर देखिए, यहाँ से द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए दैट इज अबाउट विच वी आर एक्सपांडिंग, अबाउट विच वी आर एक्सपांडिंग, दिस एक्सपेंशन इज अबाउट ए। सो द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द नियरेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, यही होता है हमारा रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। मतलब आर जो है ये एक्चुअली क्या है, जिस पॉइंट के अराउंड में हम एक्सपांड कर रहे हैं उस सीरीज को, उस फंक्शन को, उस पॉइंट से लेकर जो सबसे नजदीकी, जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट जो डिस्टेंस है जहां पे हमें एफ ऑफ जेड क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, या फिर इन्फिनिटी मान सकते, इन्फिनिटी होगा। तो और यहाँ पर और भी बोला गया है कि ऑन जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, मतलब वो जो पॉइंट है, वो जो डिस्टेंस के बाद वो जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट में द सीरीज मे और मे नॉट कॉन्वर्ज, यू डोंट नो, बट आफ्टर दैट पॉइंट द सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट, द सीरीज मस्ट डाइवर्जेंस, राइट। सो अनदर थिंग, इफ द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड, एक और थिंग है कि एफ ऑफ जेड का जो अगर सिंगुलरिटी है, वो अगर इन्फिनिटी में है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद अगर वो इनफाइनाइट हो रहा है, फिर उसका एफ ऑफ जेड का वैल्यू, देन देन दैट इज कॉल्ड, देन द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंट इज अवर इनफाइनाइट। ओके, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस इज इनफाइनाइट। ओके, नाउ वी आर रेडी टू बिगिन दिस प्रॉब्लम। पे हमें दिया गया है एफ ऑफ जेड, क्या दिया गया है, क्या 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो हमें फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, किसके अराउंड में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो के अराउंड में। तो एक्स इक्वल टू जीरो से नियरेस्ट जो पॉइंट, जिस पॉइंट में एफ ऑफ जेड क्या होगा, डाइवर्ज होगा, राइट। सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलरिटी पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। एफ ऑफ जेड डाइवर्ज किया कौन से पॉइंट में होगा, जीरो से सबसे नियरेस्ट। सो एफ ऑफ जेड मतलब डाइवर्ज करेगा कब, जब ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो होगा। तो फिर सिंपली कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो है इसे जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स ओवर टू, एंड ओवर टू मीन्स जीरो बिकॉज राइट हैंड साइड इज जीरो। दैट मीन्स ई टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, और ई टू दी पावर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ई टू पावर एंड माइनस 1 कैन बी रिटन लाइक ई टू दी पावर आई आयोटा इंटू पाई प्लस 2n पाई। 2n पाई मीन्स वॉट, इट विल give, it will give always an even value, and this total thing will give the minus one, because this will be equivalent to e to the power I pi means minus one. Okay, very good. Then comparing, we can get the value of x to be equals to what, value of x is coming I into pi by 2 plus n pi. Now put the value of n is equals to 0. Then what happens? Then you will get like this, pi by 2. Means if we go I pi by 2 from x equal to 0, means if we have axis like this, this is x equal to 0 or x equal to a point, here it is 0 point. If we go or if we move x equal to I pi in either direction, x equal to either plus I pi by 2 or minus I pi by 2, in either direction, if we move this distance from the point A, right,
about which this expansion is happening, here it is x equal to 0, then this distance, after going this distance, after this distance, the series is divergent, or the series is diverging. That means this distance is nothing but the radius of convergence for this function. So the radius of convergence here will be this distance, means just pi by 2, not I pi by 2. This is in the I direction, right? This is in the I axis. So this distance is pi by 2, means our answer will be pi by 2 c. So I hope that you have understood the concept. To get the notifications of my upcoming videos on various conceptual classes of physics, you can subscribe this channel and hit the bell icon and share this video with your friends. So take care of yourself. Thanks for watching.